ओके सो गाइस, कैसे व्हाट्स अप लोग, आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकती हो। अगर आप इस तरह की अपने खुद की फोटो के स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस, इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान है, उससे आपको प्रेस करना है। और गाइज, अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं, आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। और गाइज, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है गाइज, आप मुझे पूछ सकते हो और इंस्टा पे। ओके सो वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकती हो। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा प्लस का आइकन, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ साइज शो कर रहा, आपको 16.9 वाला साइज सिलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा मीडिया, आपको मीडिया पर क्लिक करना। और गाइज, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखे बैकग्राउंड वाली, आपने उसे सिलेक्ट करना है। सो वीडियो सिलेक्ट करता हूँ और एक पे क्लिक करा। सो गाइज, वीडियो आ चुकी है। अब करने क्या, इसमें एक बोट ऐड करना है, एक नाव ऐड करनी है। सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो नाव डाउनलोड करके बोट डाउनलोड कर रखे PNG वाले, ठीक है, आपने सिलेक्ट करना है। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ। गाइज, PNG आ चुकी है। जो PNG है इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है। लंबी करने के बाद जो PNG है इसका साइज आपको छोटा करना है। ओके, छोटा करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको इस तरीके से सेट करना है। सो मैं सेट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए, सेट हो चुका। आपने इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। एक ऑप्शन शो कर रहा है गाइज यहाँ पे। सो मैं नीचे किसका लगता है, एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे, एडजस्टमेंट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ लाइन शो कर रहा है, ठीक है, जो गाइज बीच की लाइन है, मैं इसे हल्का प्लस कर लेता हूँ। और गाइज जो लास्ट की लाइन है उसे भी हल्का सा इतना प्लस कर लेता हूँ। ओके सो गाइज देख लीजिए, जो गाइज नाव का कलर था गाइज डार्क हो चुका, आपने इस तरीके से डार्क कर लेना है। गाइज देख लीजिए, PNG सेट हो चुकी है, नाव सेट हो चुकी है, आपने इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद जो गाइज PNG वाले लेयर है, नाव वाले लेयर है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको जो नाव की लेयर है PNG वाले, इसे लास्ट खिसकाना है। खिसकाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको हल्का सा इतना छोड़ देना, ठीक है। गाइज आपको इतना खिसकाना है। खिसकाने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है, चाबी का आइकन, की आइकन, ठीक है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज जो गाइज नाव, ठीक है, आपको नाव को इस तरीके से खिसका लेना, ठीक है। सो मैं खिसका लेता हूं। खिसकाने के बाद मैं यहां पे सेट करता हूं और गाइस यहां पे नाव सेट हो चुकी है, ठीक है। ये देख लीजिए गाइस, यहां पे जो नाव थे गाइस इस तरीके से मतलब खिसक रही, ठीक है, चल रही, ठीक है। आपने इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद अब करने क्या, इसमें गाइस एक फोटो ऐड करनी। ओके सो गाइस, मैं एक फोटो ऐड कर लेता हूं। लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपने एक फोटो सिलेक्ट करनी। ओके सो मैं एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए, फोटो आ चुकी है। आपके पास एक इस तरह की फोटो होनी चाहिए, बैठी हुई फोटो होनी चाहिए, या गाइज आप क्लिक कर सकते हो। ओके सो फोटो आ चुकी है। जो फोटो है, इस फोटो का बैकग्राउंड इरेज, आपने सबसे पहले फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है। अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने एक वीडियो बना रखी, आप उस वीडियो को देखकर अपनी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। ओके सो फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इसकी लेंथ आपको लंबी करनी है। लंबी करने के बाद जो फोटो है इसका साइज आपको छोटा करना है। छोटा करने के बाद गाइज आपको इस नाव में इस फोटो को सेट करना। ओके सो यहाँ पर मैं फोटो को सेट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए, फोटो सेट हो चुकी है। आपने इस तरीके से फोटो सेट करनी है। फोटो सेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, लेयर लास्ट खिसकाना है। खिसकाने के बाद गाइज आपको थोड़ा सा इतना छोड़ देना है लेयर, ठीक है। सो इतना में इतना छोड़ देता। छोड़ने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है, चाबी का आइकन, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस फोटो को इस तरीके से खिसका लेना है, जहाँ को गाइज नाव खिसक रही है, ठीक है। आपको इस तरीके से खिसकना है और खिसकाने के बाद इस नाव में फोटो को सेट कर लेना। ओके सो मैं नाव में इस फोटो को सेट करता हूँ। फोटो सेट हो चुकी है, ठीक है। आपने इस तरीके से फोटो सेट करनी है। और गाइज देख लीजिए, फोटो सेट हो चुकी है और आपको वीडियो प्ले करके दिखा देगा। गाइज देख लीजिए, नाव में गाइज फोटो सेट हो चुकी है और नाव भी यहाँ पर चल रही है। आपने इस तरीके से सेट करना। ओके सो अब करना क्या है, इसमें गाइज एक इफेक्ट ऐड करना है। सो मैं इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी है, आपने उसे सिलेक्ट
सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज आपको फुल करना है। फुल करने के बाद जो गाइज इफेक्ट वीडियो क्लिक करना है और साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, नीचे की स्कैन एक ऑप्शन शो कर रहा है, ब्लेंडिंग क्लिक करना है, कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, आपने सिलेक्ट कर लेना, स्क्रीन और एक पे क्लिक करना। और गाइज देख लीजिए वीडियो में इफेक्ट ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसमें एक इफेक्ट और ऐड करना है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। आपने जो इफेक्ट डाउनलोड कर रखा है आपने सिलेक्ट करना है। इफेक्ट वीडियो आ चुकी है और साइड में कुछ ऑप्शन हो गए, नीचे की स्कैन है एक ऑप्शन आ चुका ब्लेंडिंग, क्लिक करना है और आपने सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन और एक पे क्लिक करना है, जो इफेक्ट वीडियो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका साइज आपको बड़ा करना, फुल करना। फुल करने के बाद गाइज यहाँ पे इसका साइज इतना बड़ा करना और यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना। गाइज देख लीजिए वीडियो में दो इफेक्ट ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड करना। ऐड करने के बाद अब करने क्या है, इसमें गाइज एक इफेक्ट और ऐड करना है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी उसे सिलेक्ट करना है। ओके सो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए इफेक्ट वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज फुल करना। फुल करने के बाद जो इफेक्ट वीडियो क्लिक करना है और साइड में कुछ ऑप्शन वगैरह नीचे की स्कैन है और आपने सिलेक्ट कर लेना स्क्रीन, और स्क्रीन सेलेक्ट करने वाले डिक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए इफेक्ट ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड करना है। गाइज देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब करने क्या है, जो गाइज हमारी फोटो वाली लेयर है, खुद की फोटो वाली लेयर है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में एक ऑप्शन हो गया थ्री डॉट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन हो गया ब्रिंट टू फ्रंट, आपको ब्रिंट टू फ्रंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फोटो है फ्रंट हो चुकी है और साइड में कुछ ऑप्शन हो रहे हैं, नीचे इसका ना एक ऑप्शन आ चुका है एडजस्टमेंट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ लाइन शो कर रहे हैं और जो फोटो है इसका जो कलर गाइज फेड है, इसे डार्क करना है। सो मैं डार्क कर लेता हूँ। जो गाइज सेकंड लाइन है उसे हल्का सा प्लस करना है, ठीक है, इतना प्लस करता हूँ। और जो लास्ट लाइन है इसे भी हल्का इतना प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अपनी फोटो के हिसाब से सेट करना है, सो इतना मैं कर लेता हूँ। और एक पे क्लिक करा ना गाइज देख लीजिए जो फोटो का कलर था डार्क हो चुका है, आपने इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद गाइज इसमें एक इफेक्ट और ऐड करना है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सिलेक्ट करना है, सो मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज आपको फुल करना है। फुल करने के बाद जो गाइज हमारी इफेक्ट वाली वीडियो क्लिक करना है और साइड में कुछ ऑप्शन हो गए, नीचे की स्कैन एक ऑप्शन आ चुका ब्लेंडिंग, क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट कर लेना लाइटिंग। लाइटिंग सेलेक्ट करने के बाद एक पे क्लिक करना है। गाइज देख लीजिए हमारी इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से एडिट कर रहे हैं। और गाइज इस वीडियो में अब साउंड ऐड करना है, सो मैं साउंड ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने जो साउंड वाली वीडियो डाउनलोड करके सिलेक्ट करना है, वीडियो आ चुकी है और साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, नीचे की स्कैन एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना और आपने सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रीन और टिक पे क्लिक करना है। और गाइज हमारी वीडियो में साउंड ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड करना है। और गाइज आप इस वीडियो में कोई दूसरा साउंड ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। सो दूसरा साउंड ऐड करने के लिए एक ऑप्शन शो कर ऑडियो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके मोबाइल में जो भी साउंड होंगे यहाँ पे शो करेंगे, आप यहाँ से इस वीडियो में साउंड ऐड कर सकते हो। ओके सो साउंड ऐड हो चुका और इस वीडियो में एक PNG ऐड करनी है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना है। आपने जो PNG डाउनलोड कर रही है आपने उस PNG को सिलेक्ट करना है, सो मैं PNG सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज PNG आ चुकी है, जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद इस PNG का साइज छोटे करना है और इसे इस तरीके से घुमा लेना, रोटेट करना है और यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लूँ, ठीक है, आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे सेट किया, सेट करने के बाद गाइज वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी। और अब करने का ऐसा वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना है, सो मैं सेव कर लेता हूँ। शेयर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है एक्सपोर्ट, क्लिक करना। और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।